चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देश जोधपुर के पास एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के रफाल, सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन ने LAC पर आंखें दिखाने की कोशिश की तो भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा। वायुसेना प्रमुख शनिवार को भारत फ्रांस के बीच चल रहा युद्धाभ्यास देखने जोधपुर पहुंचे थे। LAC पर चीन के आक्रामक होने की संभावना पर भदौरिया ने कहा कि अगर वो आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राफेल को लेकर कहा कि राफेल 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हमारे प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हमने AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर DRDO के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम इसमें छठी पीढ़ी की क्षमताओं को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वहीं भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमानुएल लेनिन ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस अच्छे बुरे दोनों समय में साथ साथ रहे। जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया तो हम आपकी सामरिक स्वायत्तता को समझने के पक्ष में थे। बता दें, जोधपुर के पास भारत फ्रांस के बीच साझा युद्धाभ्यास शनिवार सुबह से शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों देशों के वॉर रूम में पार्टनरशिप ब्रीफिंग हुई। सुबह 6:15 के करीब रनवे के झालमन झूल से राफेल टेक ऑफ हुआ। उसके बाद एक के बाद एक चारों राफेल ने आसमान में गर्जना करनी शुरू कर दी। राफेल के बाद सुखोई 30 ने भी आसमान में अपना दम दिखाया। भारतीय अवाक्स ने हवा में फाइटर्स जेट्स को कंट्रोल किया। उसने राफेल के साथ भारतीय लड़ाकू विमानों को टारगेट किया, जिसे उन्होंने हासिल भी किया। फ्रांस की ओर से युद्धाभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान के साथ एयरबस A330 बहुउद्देशी टैंकर परिवहन विमान यानी कि MRTT A400M रणनीतिक परिवहन विमान शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही फ्रांसीसी सैन्य बल के 175 सैनिक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। दरअसल ये हवाई सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर अपने सभी अग्रिम हवाई ठिकानों को किसी भी वक्त परिचालन के लिए तैयार रखा है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।